हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास ये ट्रैक्टर आया है, स्वराज 843 XM। ट्रैक्टर 2016 मॉडल है और काफी दूर से मेरे पास आया है। किस लिए आया है, सबसे पहले वो चीज बात करेंगे। वैसे मुझे उसमें और भी काम करना है, पर आया किस लिए है और कहाँ से आया है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रैक्टर जहाँ से आया है वो मायने नहीं रखता। ट्रैक्टर जिस साइड से आया है वो चीज़ मायने रखती है। हमारे यहाँ से ज़्यादातर ट्रैक्टर वाले काम कराने जाते हैं कोटा, तो ये कोटा से भी दूर बूंदी और बूंदी से भी आगे कुछ कोई गांव है, वहाँ से आए हैं। वो हम जब ट्रैक्टर ओनर आएंगे उनसे बात होगी, ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई कहाँ से आया, क्या इसमें काम किया, वो हमारे से संतुष्ट है नहीं है, वो सब हम आपको वीडियो को लास्ट में दिखाएंगे। फिलहाल ये बात करेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो ये हमारे पास आया ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग करने के लिए। तो किस तरीके से पावर स्टीयरिंग करेंगे और कौन सा पावर स्टीयरिंग करेंगे? ट्रैक्टर नया मॉडल है, ट्रैक्टर नया मॉडल है, मैनुअल स्टीयरिंग है, इसको हमें पावर करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इसका ये पंप है, डबल पंप लगाना पड़ेगा। वैसे एक ट्रैक्टर है 843, उसमें पावर स्टीयरिंग आ रहा है, कंपनी दे रही है, पर उसमें हमारा जो डिफ्लेंसर रहता है उसी से कंपनी ने ऑयल लिया है। हम इसमें अलग अलग सिस्टम देंगे। ये वाला जो पंप है उसमें डिफ्लेंसर का ऑयल चलेगा और ये वाला जो पंप है उसमें अलग से टैंक लगाएंगे, वो ऑयल आला ऑयल चलेगा। अब बात करते हैं भाई इसमें चीजें क्या क्या चेंज होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी ये प्लेट है, तो ये प्लेट तो वो की वही रहेगी, क्योंकि इसमें जो पावर स्ट्रिंग आ रहा है वो भी सेम लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हमें इसकी स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगी, एक इसका ब्रैकेट चेंज होगा जिसपे हमारी स्ट्रिंग लगेगी वो चेंज होगा, एक इसका ये आर्म चेंज होगा। इधर देख लो आप, आर्म तो सेम इसी में क्या आएगा, पर उसमें ये वाला आर्म नहीं लगेगा, तो ये आर्म भी चेंज करना पड़ेगा हमें। एक यहाँ ब्रेकेट लगेगा वो भी चेंज करना पड़ेगा, एक इसकी स्टीयरिंग है वो भी चेंज करना पड़ेगी, और एक इसका जो पंप है वो चेंज करना पड़ेगा। और दिक्कत कहाँ आएगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें हमें करना क्या, ये वाला पंप खोल के और इसमें डबल वाला पंप लगा देंगे और यहाँ सब सारे कंप्लेंट लग ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है बहुत सारी आएगी इसमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे तजुर्बे के हिसाब से देखा कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ पाइपों की प्रॉब्लम आएगी। तो फिलहाल तो मैंने किसी ट्रैक्टर ओनर के पास पंप पड़ा हुआ है ये वाला, तो वो मंगवाया है, उसको इसमें फिटिंग करेंगे और सारी पाइपों का जो कनेक्शन रहता है किस तरीके से कौन सी पाइप लगेगी वो देख लेंगे, और इसमें ये टैंक लगाएंगे अलग से। ये स्वराज कंपनी का है, 1450 की MRP है हमारे पास। सबसे बड़ी बात ये आपको मिलेगी, जो भी सामान डलेगा वो कंपनी का डलेगा। ये आपके सामने पैक है, अभी इसको बाहर निकालेंगे। जो भी सामान हम डालते हैं बिल्कुल जेन्युइन डलेगा, इसीलिए हमारे यहाँ कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट जिस कंपनी जो कंपनी इसको बनाती है अगर वहाँ से मंगाते हो तो वहाँ कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो फिर वो मेटल में भी डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखेंगे ये कहाँ फिट होएगी, किस जगह इसको लगाना है। ये इसमें एक तो ये काम आउट है, क्योंकि कंपनी ने अभी 843 में पावर स्टीयरिंग दिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो 843 में दिया है, तो वो तो हम इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो शोकर होकर के बहुत सारे उसमें, और उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो उसमें अगर इस वाली को करते हैं और उस वाली को करते हैं उसमें मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा उसमें पाइप लगती है, और आगे भी उसमें मेंटेनेंस है, इसमें कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। आपको 1000 घंटे में इसका ऑयल चेंज करना है, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है जब तक आपका आपका ट्रैक्टर रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका ये फिल्टर भी लगा हुआ है, इसमें सारा कंप्लीट अंदर है, तो इस विषय में बात नहीं करेंगे। पहले बात करेंगे कि चीज़ें क्या क्या चेंज होगी। एक तो पंप चेंज होगा, यहीं यहाँ से एक इसकी स्टीयरिंग चेंज होगी। उधर तो हमें कुछ करना नहीं है, इधर तो मेरे हिसाब से इसमें मुझे कुछ परेशानी आनी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कंपनी का सामान आएगा तो फिट वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हमें आएगी एक तो इसकी बाटल में, ये जो लगाएंगे इसका टैंक, और एक इसका जो पंप है वो पंप भी मैं इसमें वैसे ही पहले दूसरा पंप लगा के देखेंगे, नया बाद में डालेंगे। तो
उसको लगाएंगे तो ये पाइप किस तरीके से घूमती है, क्या होता है, ये पाइप दिक्कत दे सकती है, ये वाली तो लग जाएगी, और इसके बाद जो भी दो तीन पाइपें हैं वो दिक्कत देगी, तो देखेंगे उनको कैसे फिटिंग होता है। तो वीडियो आप सारे ही देखना, हो सकता है इसके एक वीडियो बने, दो बने, तीन बने, चार बने, तो सारे वीडियो देखोगे तो आपकी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाद ही बाद में हम आपको दिखाएंगे भाई इसको कंप्लीट करने में खर्चा कितना आया, वो भी बताएंगे आपको कि इसमें खर्चा कितना आया। तो अभी इनको पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं, इनको खोल लेते हैं सारों को। अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है पंप, पंप आने के बाद हम पंप फिटिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उधर तो मुझे कुछ करना नहीं है, इधर कोई दिक्कत आनी नहीं है। और एक इश्यू आता है कि इसमें कटिंग कम होती है, तो कटिंग का भी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले वैसे लगा के दिखाएंगे, अगर कटिंग कम होती है तो उसको कैसे सही करना है वो भी आपको एक बार बता देंगे भाई इसमें कटिंग कम होने के क्या क्या कारण है और कैसे उनको सही करना है, क्योंकि हमने मेरे पास एक फोन भी आया था वो भी काफी परेशान हो रहे थे, तो वो चीज भी देखेंगे। काम हमें इसमें और भी करना है, पर वीडियो सिर्फ हम पावर स्टीयरिंग का देंगे आपको कि पावर स्टीयरिंग कैसे होती है, कितने की होती है, कितना खर्चा आता है, और पावर स्टीयरिंग करेंगे शॉकरलेस जो 7735 FEE में आ रही है वो वाली, इसमें पावर स्टीयरिंग करेंगे जिसमें शॉकर नहीं है, मैनुअल भी है प्लस पावर भी है। वो मैंने 7744 किया है, वो वीडियो भी आप देख लेना, एक और 7744 किया है वो वीडियो भी आप देख लेना, वो भी चैनल पे डली हुई है। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर, फिर बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है।